नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मकर संक्रांति पर आज हरिद्वार के अर्धकुंभ में पहला स्नान चल रहा है, जहां आस्था का सैलाब उमड़ता दिख रहा है। वहीं पटना में भी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। बात तीर्थराज प्रयाग की करें तो मकर संक्रांति पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लोग पुण्य स्नान कर रहे हैं, जबकि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में भी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। तो चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है लगातार। ये कल से ही सिलसिला जारी है और आज आस्था और श्रद्धा का संगम साथ में जुड़ा है और लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप हरिद्वार की देख सकते हैं, जहां मकर संक्रांति पर अर्धकुंभ का पहला स्नान हो रहा है आज। दूसरी तस्वीर गंगा घाटों की देख सकते हैं, गंगा घाटों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, इलाहाबाद की तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर त्रिवेणी के संगम पर आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। और चौथी तस्वीर गोरखपुर की आप देख रहे हैं, गोरखपुर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है गोरखनाथ की पूजा करने के लिए। तो चार तस्वीरों के जरिए देखिए कि मकर संक्रांति का पावन पर्व किस तरह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आज मकर संक्रांति है, इस पावन मौके पर गंगा और अन्य नदियों में पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा आराधना कर रहे हैं और तिल गुड़ का दान कर रहे हैं। पटना में गंगा घाटों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं हरिद्वार में अर्धकुंभ के पहले स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। रात 1:30 बजे के बाद से ही संक्रांति का पुण्यकाल शुरू हो चुका है और इसलिए पुण्य स्नान के लिए घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। आज ही खरमास भी समाप्त हो रहा है। खरमास समाप्त होने के बाद 17 जनवरी से शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह महिला जो है सबसे पहले भगवान गंगा जी की पूजा की जा रही है, भगवान सूर्य की पूजा की जा रही है और उसके बाद मंगल कामना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हरिद्वार की देख सकते हैं आप, भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया संवारा गया है। अर्धकुंभ का स्नान है, पहला स्नान है, जिस वजह से काफी वहां पर संख्या में भक्त जुटे हुए हैं। मकर संक्रांति के मौके पर इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और इसी के साथ एक महीने तक चलने वाले माघ मेले की भी शुरुआत हो गई है। इलाहाबाद में कड़क सर्दी के मौसम में लोग यातायात प्रतिबंधों और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के कारण कई मील पैदल चलकर संगम पहुंचे हैं। संगम में पवित्र डुबकी के बाद लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद लोगों ने खिचड़ी दान किया। तो खिचड़ी दान करने का एक प्रावधान है, खिचड़ी दान करने से भगवान मनोकामनाएं पूरी करते हैं। त्रिवेणी के संगम की तस्वीरें आप इलाहाबाद की देख सकते हैं, बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें, इस तरह के बोर्ड जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घटे, इसलिए वहां पर प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है और श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। हजारों लोगों ने पवित्र स्नान किया है, उसके बाद खिचड़ी दान भी किया है। तो ये इलाहाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं।